सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपके साथ मौजूद है हमारे अमन जी जो देश का नाम को गौरवान्वित किया है, क्या कैसा लग रहा है आपको इनके साथ? देखिए, खुशी तो तभी बहुत हुई थी कि जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये कहा था कि मैं कुश्ती करने के टाइम में जब भी फ्री होता हूँ तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ, तो ये बहुत मैं खुश हो गया। तभी मैं अमेरिका में था और मैंने सोचा था कि उनको हमारे शो पे इनवाइट करूंगा और हमारे सारे कलाकारों के साथ मिलवाऊंगा, क्योंकि जो शख्स हमारे शो को इतना प्यार करता है तो उसको सब कलाकारों से हमारे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में उसको मिलाना तो बनता है। तो मैं एक सही मौका ढूंढ रहा था, तो गणपति उत्सव में हमने उनको बुलाया और उनको कहा कि आप ही हमारी गणपति उत्सव की आज गोकुलधाम सोसाइटी में आरती करो, दर्शन करो, और वो सबसे मिल पाए। ये मुझे भी बहुत खुशी हुई और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हरियाणा के गांव में कुश्ती करने वाला एक लड़का जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के उसको उतनी खुशी मिलती होगी। इससे हमारा हौसला और बढ़ गया है और भी हम लोगों को हंसाएंगे और खुशी देंगे। थैंक यू अमन भाई, क्योंकि जब एक कलाकार को जब एक कोई सराहता है ना, तब बोलता है कि आपने हमें हंसाया, तो हमारा उत्साह और खुशी दुगनी हो जाती है। थैंक यू जी, मैं आप सबका करना चाहूंगा कि आप इतना बढ़िया काम करने लग रहे, पूरे देश ने आसान लग रहे हो, इस तबीयत और बढ़िया काम क्यों सका है देशवासी खाते हैं। पूरी मेरी टीम है, राइटर है, डायरेक्टर है, बड़े बड़े कलाकार है, जेठालाल है, भिड़े भाई है, पोपट लाल है, सब बड़े बड़े कलाकार है, सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं। और आप लोग कोई ऐसा बोल देते हो ना कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के मैं बाद में वापस कुश्ती कर लेता था, जब मायूस हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था, ये हमको बहुत सुकून मिला है। अमन जी, क्या कब से आप तारक मेहता देखते आए हैं? क्योंकि आपने इंटरव्यू में कहा था जीतने के बाद कि हम मुझे तारक मेहता पसंद है, फ्री टाइम में वो देखता हूं, तो क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं तारक मेहता तो मैं 2019 से पहले मेरे पास फोन अलाउड नहीं था। मैं 2019 के बाद मेरे से फोन दे दिया गया था, क्योंकि मैं कैंप में आना जाना रहता था भाई, कैंप का काम भी, नौकरी का, जॉब का भी काम था। तो फिर 2019 के बाद मैं मतलब दिन में तो शुरू में तो काफी एपिसोड देखता था, मतलब 10-10, 12-12 भी हो जाते थे पूरे दिन के, मतलब मजा आने लग गया थी देखने में। अच्छा, आपने जब मेडल जीता तो पूरा देश को बहुत प्राउड हुआ, वो पल कैसा था अगर जनता को बता सके एक बार, और क्या कहना चाहेंगे भारतीय लोगों को? बस वो पल तो जब मेडल लिया, जब थोड़ी भाई उदासी थी भाई, गोल्ड क्यों नहीं आया, थोड़ी कमी रह गई, पर उसके बाद जो रूम में गया एक दो दिन के बाद, तो ऐसा लगा भाई ब्रॉन्ज भी भाई बहुत मतलब भगवान की आशीर्वाद से मिल गया, और ऐसे तो कई बच्चे भी हैं जो मेरे से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो बस यही सोच के करी थी भाई, हमारी मेहनत हमें मतलब मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट तो मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। 2028 एलए ओलंपिक्स की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे जनता को और यूथ को, क्या मैसेज है आपका? 2028 की तैयारी तो जो इस ओलंपिक में कमी रही है, उन मेन काम तो बस उन्हीं पर है, वे कमी 2028 में ना रहे, उन्हीं पर ज्यादा फोकस है जी। आपसे क्या कहना चाहेंगे, गणपति बप्पा से क्या दुआएं कर रहे हैं इनके लिए, और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो हमें प्यार करता है तो हम तो उनको दुगना प्यार करते हैं, तो बस गणपति बप्पा और भगवान को प्रार्थना है कि उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, और जो उनका सपना है गोल्ड जीतने का भारत देश की ओर से, वो साकार होगा। जो आदमी मेहनत करता है भगवान उसके साथ होता है। आखिर में तारक मेहता के जो भी फैंस है लाखों करोड़ों, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? तो आप अमन जी को पूछिए जी। अमन जी, बस मेरा तो यही मैसेज है कि कोई टेंशन की बात आए तो जिंदगी में तारे तारक मेहता चला लेना, एकदम सब टेंशन फ्री हो जाएगा। थैंक यू। आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे आम जनता को? बस मैं भी यही कहूंगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। 16 साल हो गए, अभी हम 17वें साल में हैं, और पूरी टीम मेहनत करती है, कुछ बदलाव हो जाते हैं शो के अंदर, बस आप उसको फिर भी आप इतना प्यार कर रहे हैं, वो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं जानता हूं कि आपको पोपटलाल की शादी देखनी है, दया भाभी कब आएंगे वो देखना है, सब होगा, समय समय पर सब कुछ करूंगा, दर्शकों की भावना में समझता हूं, और आगे चल के आपकी हंसी को मैं कहीं पे अटकाऊंगा नहीं। आपकी हंसी और खुशी वो मेरे लिए एक ही लक्ष्य है, ऐसा इनका एक ही लक्ष्य है भारत देश के लिए गोल्ड लेके आना, मेरा भी एक ही लक्ष्य है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबको हंसाते रहूं, सबको खुश रखूं।